बीजेपी का मिशन महाकौशल। लोकसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मिशन शुरू कर दिया और ऐसे में कांग्रेस को लगातार महाकौशल में दो बड़े झटके लगे हैं। ये दोनों बड़े झटके महाकौशल क्षेत्र में लगे हैं, जहां से बीजेपी को भविष्य को लेकर बहुत सी उम्मीदें हैं और इसीलिए अब बीजेपी एक कदम आगे बढ़ गई है। जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह अनु ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। वही कांग्रेस के लीगल सेल के अध्यक्ष शशांक शेखर भी बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी महाकौशल ही नहीं बल्कि प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी कांग्रेस को लगातार झटके दे रही है। अब सवाल यही है कि महाकौशल में महासेंधमारी की ये तस्वीर क्या कहती। मिशन 29 में बीजेपी का महाकौशल, कांग्रेस नेताओं में बड़ी हलचल। जबलपुर मेयर समेत कई ने बदला पाला, कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष ने भी दामन थामा। अब राम मंदिर पर बीजेपी का दामन थामा। ये दो तस्वीरें अपने आप में बीजेपी की चुनावी रणनीति में दक्ष होने की गवाही दे रही हैं। पहली तस्वीर 8 फरवरी की है, जिसमें बीजेपी के भोपाल कार्यालय में कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष और पूर्व महाअधिवक्ता शशांक शेखर बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, विधायक संजय पाठक भी मौजूद रहे। वहीं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी यहां मौजूद रहे। तो दूसरी तस्वीर 7 फरवरी की है, जिसमें बीजेपी कार्यालय में जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू और डिंडोरी के जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अंजू जितेंद्र व्यवहार सहित तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए जबलपुर के महापौर का कहना है कि वे राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस नेतृत्व के शामिल नहीं होने से बेहद आहत थे। कुछ ऐसी ही वजह लीगल सेल के अध्यक्ष ने गिनाई। मोदी जी की निरंतर चल रही योजनाओं को देखते हुए और कांग्रेस का एक प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने का स्टेप, मैं महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण हूँ, मेरे को हृदय से इसका दुख हुआ था। जब कुछ दिख रहा था कि कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जो देश की प्रगति में मैं कुछ कर पा रहा हूँ, तो हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि इस प्रगति के पथ पे साथ रहे। मैं उसी एक नागरिक होने की हैसियत से मैं बीजेपी में आज आया हूँ और मैंने संकल्प लिया है। बड़ी परिस्थितियां निर्मित हुई हैं और जबलपुर शहर को महानगर बनाना है, इसके लिए ट्रिपल इंजन की सरकार और राम राज्य देश में लाना है, इसके लिए अत्यंत जरूरी। राम मंदिर भी एक बड़ी आस्था का केंद्र था और कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व था, जिस तरह के स्टेप्स लेते रहा, वो भी कहीं ना कहीं तकलीफ पे वो आहत करने लायक था और इस कारण से बहुत सारे निर्णय हुए। उधर बीजेपी का कहना है कि उनका परिवार बड़ा हो रहा है, कांग्रेस की डूबती नैया में कोई सवार नहीं होना चाहता, वहीं सिर्फ परिवारवाद रह गया है। एक एक करके तमाम बड़े चेहरे जो हैं कांग्रेस छोड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस के दिन बुरे आ रहे हैं जी सर, मैं क्या कर सकता हूँ, कांग्रेस अपना आत्मावलोकन करे। वहीं इस मामले में कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है, जरा उसे भी सुन लीजिए। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाकर, जहां हमारे महापौर हैं और अन्य स्थानों पर, वहां पर हालत ये है कि ना तो बजट दिया जा रहा है, ना महापौरों को काम करने दिया जा रहा है, उनके खिलाफ कहीं ईडी की शिकायत तो कहीं लोकायुक्त की शिकायत तो कहीं इनकम टैक्स की शिकायत, इस तरह के दबाव लगातार बनाए जा रहे हैं और पूरे प्रदेश में इस तरह का तांडव भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। भाजपा का फोकस लोकसभा चुनाव पर है। जबलपुर मंडला और डिंडोरी से कांग्रेस के बड़े नेताओं को तोड़कर बीजेपी में शामिल करवाया गया है, ताकि इन लोकसभा सीटों पर पार्टी की ताकत को मजबूत किया जा सके। पार्टी ने शहरी और ग्रामीण दोनों वर्गों को साधा है। डिंडोरी विधानसभा सीट पर कांग्रेस मजबूत पकड़ बना चुकी थी, जिला पंचायत के चुनाव में भी बीजेपी को यहां हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष को बीजेपी में शामिल करवाकर डिंडोरी में पार्टी की ताकत को भी बढ़ा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल।